गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं पेट शॉप पे अपने पैरेट के लिए सीड लेने, और देखते हैं अगर हमें कोई फिश अच्छी लग गई तो फिश भी ले लेंगे, क्योंकि हमारी जो वाइट शार्क थी उसकी कल डेथ हो गई, तो हमने सोचा कि एक्वेरियम के लिए कुछ अच्छा सा ले लें और अपने पैरेट्स वगैरह के लिए सीड वगैरह ले लें। अभी जो हमारी पेट शॉप है अभी काफ़ी दूर है, ज़्यादा नहीं फिर भी है थोड़ी बहुत दूर। ये देखिए डॉग जा रहा है, हेलो हाउ आर यू, भाग गया वो, भागा नहीं, हम लोग आगे आ गए। अभी यहाँ से दूर है ना काफी, इशू बस आ गई। ये अच्छा लग रहा है, चश्मा चश्मा कॉम लिखा हुआ है, चश्मा कॉम डॉट कॉम रहता तो फिर समझ में आता। हम अपनी शॉप पर आ गए पेट शॉप पे, और अभी हम उतर जाते हैं और फिर जाते हैं अंदर ऊपर, यहाँ से ऊपर जाना है स्टेयर से, चलो आगे चलो। इनके पास ये सारे फिशेज हैं, बट ये वाइट और ब्लैक वाली शार्क जो है वो है बीमार है। ये ग्रीन कलर अंकल क्यों डालने वाला, इसे पानी ग्रीन ग्रीन हो जाता है। अंकल वॉलपेपर है एक्वेरियम का, दिखा दीजिए इसको। यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी मछलियाँ हैं, और ये ब्लैक वाली मुझे बहुत अच्छी लगी है, इंशाल्लाह मैं ये लूँगी। और ये गोल्ड फिश थी, और ये रेड कैप थी फिश, और इस साइड बजीज हैं, देखिए कितनी सारी बजीज हैं, कितनी प्यारी प्यारी हैं। और अंकल की जो दो बजीज थी वो बीमार हैं, और ऊपर भी बर्ड्स हैं, देखें ये लव बर्ड हैं शायद, मैं श्योर नहीं हूँ, बट इनकी आवाज़ देखिए कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है सबकी, बहुत ही प्यारी लग रही है, खूबसूरत। बट अभी हमारे पास दो बजीज हैं, तो अभी मैं कोई एक्स्ट्रा बजीज नहीं ले रही हूँ, बाद में आके ले जाएंगे। और यहाँ पे कॉकटेल है, और कॉकटेल बहुत ही महंगा दे रहे हैं ये, 3000 का पेयर दे रहे हैं, और रैबिट, और यहाँ पर ये सारे केज हैं। अभी मैंने एक्वेरियम में बड़ी बड़ी फिशेस देखी हैं, तो मैं वो फिशेस ले रही हूँ, आपको दिखा दें यहाँ से मैं ले रही हूँ। हम लोगों ने अपनी फिशेस ले ली, और ये देखिए सामने से बंदर जा रहा था, ये देखिए घर चल के आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने कौन सी फिशेस ली हैं। तो हम मिलते हैं आपसे घर पहुँचने के बाद। सो गाइस फाइनली हम घर आ गए हैं, और अभी हम रूरू के पास जा रहे हैं, क्योंकि हम रूरू के लिए कुछ लेकर आए हैं। आज हम रूरू के लिए फर्स्ट टाइम सीड लेकर आए हैं, सनफ्लावर सीड आज हमारा रूरू खाएगा, फर्स्ट टाइम खाने वाला है रूरू, अभी तक रूरू खाया नहीं था। अभी देखते हैं रूरू को कैसा लगता है ये, मुझे पता नहीं रूरू को पसंद आएगा कि नहीं, बट मैंने यूट्यूब पर देखा था कि सबके पैरट्स खा रहे थे, तो आज मैं फाइनली लेकर आई। ये लो यहाँ पे ट्रे पर ओपनिंग, रूरू की किचन में ये ट्रे है, स्पेशल ट्रे, वो पहले वो खा के दिखाओ मुझे, खा सकते हो तुम, उन्हें खाएगा, देख रहे हैं इसको, उसको देख रहे हैं बस। अरे भाई इसमें हाथ पे मत आओ, ये देखो ये है, ये इधर आओ, इधर इधर यहाँ पे देखो रखा, वो खा ही नहीं रहा, इसको छिपा देते हैं हम। अब देखें पैकेट को मैंने छिपा दिया, उसके बाद ये खा रहा है, अब खाया नहीं है। रूरू रुके, यहाँ से मैं एक सीड लेती हूँ, उसके यहाँ रखती हूँ, खा लो। रूरू खाओ,
रूल को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सीड है क्या करना है इसका। चलो कोई नहीं, हम अपने रिंगनेक पैरेट को डालते हैं इसको, और आई थिंक हमारा जो रिंगनेक पैरेट है वो बड़ा शौक से खा लेगा सीड। अभी रूल को पता नहीं है, हमने रूल को ऐसे ही छोड़ा है, और अभी हम ये रिंगनेक पैरेट को डालते हैं। अभी हम लॉन में आ गए हैं और हमारा जो रिंगनेक पैरेट है वो हमारा वेट कर रहा है, तो इसको हम जल्दी से सीड डालते हैं। इसका हम ये निकालते हैं, इसको बंद करते हैं और इसमें थोड़ी सी सीड डाल देते हैं। इसको मुझे लग रहा है बॉक्स में रखना पड़ेगा। ओ ओ ओ, ज़्यादा सीड गिर गई इससे, बहुत ज़्यादा गिर गई। इसको मुझे कम करना पड़ेगा, इसको मैं कम कर देती हूँ, थोड़ी सी देती हूँ, ज़्यादा नहीं दूँगी। अभी मैंने सीड को थोड़ा सा कम कर दिया और अब इसको हम दे देंगे अपने रिंगनेक पैरेट को, देखते हैं हमारा रिंगनेक पैरेट इसे खाता है कि नहीं। और इसको करते हैं बंद, एक सीड यहाँ गिर गई थी और इस सीड को हम यहाँ कर देते हैं, और जो हमारी ये सीड इसको हम अंदर लेके जाते हैं, देखते हैं हमारा रिंगनेक पैरेट खाता है कि नहीं। दूर हो जाते हैं, हमारे रिंगनेक पैरेट की तो आदत है कि हम जब दूर हो जाएंगे तब भी खाएगा थोड़ा सा, और बस अब खा लो। मुझे लग रहा है हमारे जो रिंगनेक पैरेट है वो नहीं खाएंगे, जान देते हैं हम थोड़ी देर बाद आकर चेक करते हैं कि खाता है कि नहीं, अभी तो नहीं खा रहा। सो गाइस, हमने जो है अपनी एक्वेरियम में फिशेस डाल दी हैं, मैं आप लोग को अभी दिखाती हूँ। हमारे एक्वेरियम की जो लाइट थी हमने उसको चेंज करके बहुत हल्की लाइट कर ली, इसलिए आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। और अभी मैंने जो है मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की हुई है, तो इतना क्लियर नहीं दिख रही होंगी आपको फिशेस। ये हमारी ब्लैक फिश और ये हमारी गोल्डन फिश। इसका नाम उन लोगों ने मुझे बताया था स्कार्प बताया था कि स्कार्प बताया था, ऐसे ही कुछ नाम है इस फिश का, मैं भूल गई हूँ। और इस फिश का क्या नाम था, ब्लैक फिश, देखें ये यहाँ पे इस साइड है, इसका नाम मैं भूल गई। एक्वेरियम का हमको वॉलपेपर भी लेना था, बट हम अपनी एक्वेरियम की हाइट जो है वो भूल गए थे, तो इसीलिए हमने वॉलपेपर नहीं लिया। इंशाल्लाह कल जाकर इसका वॉलपेपर लेकर आएंगे एक्वेरियम का। ये बहुत प्यारे लग रहे हैं, बड़ी सी माशाल्लाह से। हमारी जो एक्वेरियम में शार्क थी, अभी सिर्फ जो है 3 ही शार्क बची हैं हमारे एक्वेरियम में। कल पता नहीं कैसे हमारी 3 फिशेस मर गईं, पता नहीं आई थिंक बीमार हैं कि क्या है। अभी मुझे सिर्फ एक ही शार्क दिख रही है, मेरी एक शार्क कहाँ गई, अच्छा वहाँ है, ये 2 शार्क ये नहीं और एक ब्लैक शार्क यहाँ ऊपर, 7 टोटल हमारे एक्वेरियम में जो फिशेस हैं वो 7 फिशेस हैं। इंशाल्लाह हम इसमें और फिशेस ला के डालेंगे धीरे धीरे। अभी हम चेक करते हैं कि हमारा जो मिट्ठू है वो सीड खा रहा है कि नहीं, बट ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि ये सीड खा रहे थे हैं, नहीं खा रहा। अरे खा लो, कि सारे पैरट्स खाते हैं, मेरे पैरट्स अनोखे हैं, ना हमारा रूहू खा रहा है ना मिट्ठू खा रहा है, पता नहीं क्यों। देखते हैं कि खाता है कि नहीं खाता है थोड़ी देर बाद। मैंने YouTube पे देखा था ना, तो YouTube पे जितने लोगों के पास पैरट्स है वो सनफ्लावर सीड बड़े शौक से खाते हैं, और हमारे मिट्ठू हैं जो खा नहीं रहे। सो गाइज, आज के व्लॉग में बस इतना ही, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।